तो देखो भाई लोग, अगर आपको आने वाले कुछ महीनों में या फिर आने वाले कुछ दिनों में एक नई कार लेनी है और आपका बजट है 5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में, तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उन 8 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनकी ऑन रोड कीमत आपको 5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेरियंट वाइज प्राइस बताऊंगा, यानी इस प्राइस रेंज में अगर आपको कोई कार लेनी है तो उसका कौन सा वेरियंट आपको परचेस करना चाहिए, उस कार के साथ आपको कितना माइलेज मिलेगा, कौन सा इंजन आपको मिलेगा, क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, सब कुछ चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। फर्स्ट नंबर पर मैंने मारुति सुजुकी वैगन आर को रखा है जो कि इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बिकती है और आज के डेट में आप इस कार को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप कुछ फैक्टर्स को इग्नोर करोगे तो डेफिनेटली ये कार आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस कार के अंदर आपको सेफ्टी थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन माइलेज के हिसाब से, ड्राइव क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से ये कार आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आज के डेट में वैगन आर के अंदर एक पेट्रोल और एक सीएनजी किट आ जाता है और ये कार लगभग 23 से लेकर 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है पेट्रोल इंजन के साथ। अगर आप इसका सीएनजी मॉडल परचेस करते हो तो वहां पर वैगन आर लगभग 34 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है, तो यहां पर माइलेज आपके सामने है। लेकिन 5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में आप इसका बेस वेरियंट भी परचेस कर सकते हो, या फिर अगर आपका बजट 7 लाख के आसपास है तो आप इसके सेकंड बेस मॉडल के साथ भी जा सकते हो जो कि ये VXI, और इसके VXI मॉडल को परचेस करने के लिए आपको देने पड़ेंगे 6,92,000 रुपीज। ये मैंने ऑन रोड प्राइस बताई है। अगर आपका बजट इससे थोड़ा सा कम है तो आप इसके बेस वेरिएंट को भी परचेस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वैगन आर के अंदर सीएनजी किट लेना है, आपको ज्यादा माइलेज चाहिए वैगन आर के अंदर, तो आप इसका सीएनजी मॉडल परचेस कर सकते हो। वैगन आर के सीएनजी मॉडल को परचेस करने के लिए आपको 7,17,000 रुपीज देने पड़ेंगे, यानी 7 लाख के ऊपर आपको 17,000 रुपए थोड़े से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और ये जो ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है ये हर एक सिटी के हिसाब से थोड़ी सी अलग हो सकती है, यानी दिल्ली में इस कार की ऑन रोड कीमत थोड़ी सी अलग हो सकती है, मुंबई में अलग हो सकती है, पुणे में इसकी ऑन रोड कीमत थोड़ी सी अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा वैगनआर के सेकंड बेस मॉडल के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे और इसके सीएनजी मॉडल की कीमत कितने तक चली जाती है। आपको प्राइस में थोड़ा सा ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा और ये डिफरेंस इतना भी ज्यादा नहीं है। तो ये चीजें थी वैगनआर के रिलेटेड। सेकंड नंबर पर मैंने सिट्रॉन की C3 को रखा है। ये कार काफी ज्यादा बेहतरीन है। इस कार के अंदर आपको मिलेगा 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि लगभग 108 bhp की पावर आउटपुट और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। इस कार के अंदर आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। जिन लोगों को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना है उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए इस कार के अंदर सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाता है। ये कार पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 15 से लेकर 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि ये कार कंपनी इंडियन मार्केट में आ चुकी है लेकिन इसकी सर्विसिंग कैसी है, इसके पार्ट्स वगैरह कैसे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको बताना चाहूंगा, सिट्रॉन कंपनी फिलहाल के लिए मोबिलिटी के थ्रू सर्विस दे रही है। अगर आप इस कार को परचेस करते हो और आपको इस कार की सर्विस करनी है तो आप इनके कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इनकी सर्विस वैन आपके यहाँ पर आ जाएगी, आपकी कार को सर्विस करेगी या फिर कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं तो वो कर देगी और वो लोग चले जाएंगे। जिस तरह से ओला कंपनी ने सर्विसिंग दी है इंडिया में, सेम तरह की सर्विसिंग आपको यहाँ पर सिट्रॉन C3 की देखने को मिल जाएंगी। यानी ये कार कंपनी फिलहाल के लिए मोबिलिटी का यूज कर रही है, यानी अपने खुद की वैन का यूज करती है सर्विसिंग देने के लिए। चाहे आप किसी भी सिटी में हो, ये कार कंपनी अपनी सर्विसेज आपके सिटी में डेफिनेटली देने वाली है। तो ये चीजें थी सिट्रॉन C3 के रिलेटेड और इसके सर्विसिंग के रिलेटेड। इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्राइसिंग की बात करो तो यहाँ पर आपको बेस मॉडल मिल जाएगा सिट्रॉन C3 का अंडर 7 लाख के बजट में। आप इसका लाइव वेरियंट परचेस कर सकते हो, को 5,98,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ये एक शोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,98,000 रुपीज तक चली जाती है। कुछ कुछ सिटीज में इस कार की ऑन रोड कीमत 7 लाख के ऊपर थोड़ी सी जाती है और कुछ सिटीज में ये अंडर 7 लाख रुपीज में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर 7 लाख के बजट में आप इस कार को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, इसके बेस मॉडल के अंदर आपको ना के बराबर फीचर्स मिलने वाले है। अगर आप इसके टॉप मॉडल को भी परचेस कर लेते हो तो वहां पर आपको इतने अच्छे खासे फीचर्स नहीं मिलेंगे। जिन लोगों को नया प्रोडक्ट चाहिए, नया लुक चाहिए, वो लोग डेफिनेटली इस कार को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे आपको ये कार कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थर्ड पोजिशन पर मैंने टाटा की टियागो को रखा है जो कि काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज के डेट में टाटा टियागो के अंदर आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, ये सीएनजी किट के साथ भी आ जाती है और कुछ दिन पहले ही इसका ईवी मॉडल भी
इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। लेकिन 7 लाख के बजट में आप टाटा टियागो का पेट्रोल मॉडल भी परचेस कर सकते हो और सीएनजी किट के साथ भी जा सकते हो, लेकिन सीएनजी वाले मॉडल को परचेस करने के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो टाटा की टियागो 18 KMPL से लेकर 20 KMPL का माइलेज दे देती है पेट्रोल इंजन के साथ। कुछ केसेस में ये माइलेज कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, माइलेज टोटली आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टाटा की टियागो सीएनजी किट के साथ लगभग 26 से लेकर 28 का माइलेज दे देती है हाईवे के ऊपर। इस कार ने बहुत सारे ओनर्स को 28 का माइलेज दिया है। 7 लाख के बजट में आप टाटा टियागो का बेस मॉडल परचेस कर सकते हो पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि है एक्सी। और इस मॉडल को परचेस करने के लिए आपको देने पड़ेंगे 6,47,000 रुपीज, ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। अगर आपका बजट 7 लाख के आसपास है या फिर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो तो आप इसके सेकेंड बेस मॉडल के साथ जा सकते हैं, जो कि है एक्सटी वेरिएंट। और इस एक्सटी वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 7 लाख रुपीज। इसके अलावा अगर आपको टाटा टियागो का सीएनजी मॉडल परचेस करना है तो आप इसके एक्सी मॉडल के साथ जा सकते हैं, यानी बेस मॉडल के अंदर टाटा टियागो के आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे 7,25,000 रुपीज। यहाँ पर टाटा की कारों के अंदर आपको एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल जाएगा, अगर आपको ज्यादा माइलेज के लिए सीएनजी किट लेना है टाटा की कार्स के अंदर तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाता है, चाहे वो टिगोर हो चाहे वो टियागो हो, टाटा ने हर एक वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट ऑफर किया है, तो आपके पास ऑप्शन भी हो जाते हैं, आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी कार कंपनियां सिर्फ एक या फिर दो वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट ऑफर करती है, वो चीज यहाँ पर आपको टाटा की कार्स के साथ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपको टाटा की कार्स के साथ देखने को मिल जाएगा। टाटा टियागो को सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले हैं, सेफ्टी के हिसाब से ये कार आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है, आप ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस के लिए कार ढूंढ रहे हैं तो टाटा टियागो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते तो आप टाटा टियागो ईवी के बारे में भी सोच सकते हैं, जो कि लगभग 180 या फिर 200 का रेंज दे देती है। खैर, फोर्थ नंबर पर और फिफ्थ नंबर पर मैंने निसान की मैग्नेट और रेनॉल्ट की काइगर को रखा है। दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से और दोनों ही कारों को फिलहाल के लिए ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आपका बजट काफी ज्यादा कम है और आपको एक अच्छी लुकिंग एसयूवी कार लेनी है तो आप मैग्नेट को कंसिडर कर सकते हैं। इस कार की कीमत आपको काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो काइगर है उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा रखी है रेनॉल्ट कंपनी ने। दोनों ही कारों के अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा और दोनों ही कारों के अंदर आपको लगभग 15 से लेकर 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। अगर आपको निसान की मैग्नेट लेनी है और आपका बजट है 7 लाख के अंदर तो आप निसान मैग्नेट का बेस मॉडल परचेस कर सकते हो, जो कि है एक्सी। और इस एक्सी मॉडल को परचेस करने के लिए आपको देने पड़ेंगे 5,97,000 रुपीज, ये एक्सशोरूम प्राइस है। और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,91,000 रुपीज तक चली जाती है। ये ऑन रोड कीमत कुछ सिटीज में ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। अगर आपको रेनॉल्ट की काइगर लेनी है तो आप इसका बेस मॉडल परचेस कर सकते हो, जो कि है RXE। लेकिन इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको आपका बजट 50,000 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। इसकी ऑन रोड कीमत 7,50,000 रुपए के ऊपर चली जाती है। तो ये चीजें थी, यहाँ पर प्राइसेस आपके सामने है। 7 लाख के अंदर आप मैग्नेट को कंसिडर कर सकते हैं और 7 लाख के ऊपर आप रेनॉल्ट काइगर को कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ही कारें काफी बेहतरीन है और दोनों ही कार्स को सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले हैं। इन दोनों में से आपको कौन सी कार अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप इन दोनों ही कारों को रोड पर देखोगे तो ये दोनों ही कारें दिखने में आपको थोड़ी सी छोटी सी लगने वाली है। 6th नंबर पर मैंने अल्टो K10 को रखा है और 7th नंबर पर सेलेरियो को रखा है। दोनों ही कारें अच्छी खासी है और दोनों ही कारों का न्यू जनरेशन मॉडल कुछ महीने पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। ये दोनों ही कारें उन लोगों के लिए है जिन लोगों का बजट 4.5 लाख से लेकर 6 लाख के अंदर है। इस प्राइस रेंज में अगर आपका बजट और आपको एक नई कार लेनी है तो इन दोनों में से एक कार को आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेलेरियो को परचेस करने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू अल्टो K10। लेकिन प्रीवियस जनरेशन मॉडल के मुकाबले दोनों ही कारों के अंदर काफी ज्यादा बदलाव करे गए हैं। एक्सटीरियर आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा, सेलेरियो का भी और अल्टो K10 का भी काफी ज्यादा चेंज किया है। दोनों ही कारों के इंटीरियर में आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे और आज के डेट में दोनों ही कारों के अंदर आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा और सीएनजी किट के साथ भी दोनों ही कारें आ जाती है। यहाँ पर पेट्रोल इंजन के साथ दोनों ही कारों के अंदर आपको 24 से लेकर 26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा और सीएनजी किट के साथ 33 किलोमीटर पर केजी से लेकर 36 किलोमीटर पर केजी का माइलेज आपको दोनों ही कारों के साथ मिलने वाला है। यहाँ पर मैंने माइलेज कंबाइन में बताया है, तो यहाँ पर दोनों ही कारों के अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज मिलेगा। पेट्रोल इंजन के साथ 20 के ऊपर दोनों ही कारें माइलेज दे देती है और सीएनजी किट के साथ आपको 30 के ऊपर माइलेज मिल जाएगा। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो अल्टो K10 के बेस मॉडल को परचेस करने के
लिए आपको देने पड़ेंगे 4,64,000 रुपीज। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। वही अल्टो के अंदर अगर आपको सीएनजी किट लेना है तो आपको देने पड़ेंगे 6,64,000 रुपीज, यानी 6.5 लाख रुपए के ऊपर आपको देने पड़ेंगे अल्टो के टेन का सीएनजी मॉडल लेने के लिए। मेरे हिसाब से ये प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है और इस प्राइस रेंज में आपको बाकी कार्स मिल जाएंगी जिनके अंदर आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलेगा, अच्छा खासा लुक मिलेगा, सेफ्टी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको माइलेज ज्यादा चाहिए और आपको मारुति सुजुकी का ही प्रोडक्ट लेना है तो आप अल्टो के टेन का सीएनजी मॉडल कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.5 लाख रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे, ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। वही अगर आपको अल्टो के टेन का टॉप वेरियंट परचेज करना है तो आपको देने पड़ेंगे 6,81,000 रुपीज, यानी अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए के आसपास आपको अल्टो के टेन का टॉप मॉडल देखने को मिल जाएगा। इस प्राइस रेंज में आपको काफी बेहतरीन ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर आपको बेस मॉडल मिलेगा और यहां पर आपको टॉप वेरिएंट मिलने वाला है अल्टो के टेन का। तो ये चीजें थी अल्टो के टेन के रिलेटेड। अगर आपको सेलेरियो को परचेस करना है तो आप सेलेरियो का बेस मॉडल खरीद सकते हैं। सेलेरियो के बेस मॉडल को परचेस करने के लिए आपको देने पड़ेंगे 6,19,000 रुपीज, ये मैंने ऑन रोड प्राइस आपको बताई है। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप ऊपर वाली वेरियंट के साथ भी जा सकते हैं। तो मुझे पर्सनली ये लगता है अगर आपका बजट 5 लाख के अंदर है तो आप अल्टो के टेन को कंसिडर कर सकते हैं। खैर एक पोजीशन पर मैंने टाटा पंच को रखा है जो कि इंडियन मार्केट में फिलहाल के लिए धूम मचा रही है। टाटा पंच का आप बेस मॉडल परचेस कर सकते हो जिसकी कीमत स्टार्ट होती है 5,99,000 रुपीज से। ये एक्सशोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 7 लाख रुपए तक चली जाती है। अगर आपका बजट 7 लाख के आसपास है तो डेफिनेटली आप आग बंद कर टाटा पंच को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको टाटा पंच के अंदर सीएनजी किट लेना है तो आप इसके सीएनजी मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। इसका सीएनजी मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा इसका टर्बो पेट्रोल मॉडल भी लॉन्च हो जाएगा। जिन लोगों को ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए वो लोग टाटा पंच के टर्बो पेट्रोल मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। जैसे ही टाटा पंच के ये मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे मैं इनका डिटेल रिव्यू वीडियो जरूर लाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। तो ये 8 कार्स थी जिनकी कीमत 4.5 लाख रुपए से शुरू होती है और इनके कुछ वेरियंट्स 7-7.5 लाख रुपए तक चले जाते हैं। यहाँ पर मुझे पर्सनली ये लगता है जिन लोगों का बजट बहुत ही कम है, वो काफी कम पैसे खर्चना चाहते हैं, वो लोग अल्टो के टेन के साथ जा सकते हैं। या फिर जिन लोगों का बजट 6 लाख या फिर 7 लाख के बीच में है वो लोग टाटा टियागो को कंसिडर कर सकते हैं, टाटा पंच को कंसिडर कर सकते हैं। सिट्रोन की C3 भी काफी बेहतरीन कार है, उनकी सर्विसिंग भी आपको आसानी से मिल जाएगी। या फिर अगर आपको सेकंड हैंड कार लेनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं सेकंड हैंड कार्स के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। यानी 5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में आपको कौन सी सेकंड हैंड कार परचेस करनी चाहिए, अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर है तो कौन सी सेकंड हैंड कार लेनी चाहिए, उसके ऊपर मैं जरूर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वाले समय में एक अच्छी कार लेनी है।